राज्य में गंगा जमुना तहजीब की परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है। दुर्गा पूजा विसर्जन में इसकी तस्वीर देखने को मिली। आज मां की प्रतिभा के विसर्जन में मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मां की शोभा यात्रा के स्वागत के लिए खड़े दिखाई दिए। यहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता नौशाद ने। सौहार्द की मिसाल एक बार फिर देखने को मिल रही है। राजधानी रांची में जब जब सड़कों पर सनातनी धर्मों की जब जुलूस शोभा यात्रा निकलती है तो मुस्लिम भाई जो हैं वो इस्तकबाल के लिए, स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। और यही तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि राजधानी के मेन जो रोड है वहाँ पर शोभा यात्रा जब निकली है तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। ये हमेशा होता है, ये गंगा जमुनी तहजीब सालों से चली आ रही है। और अखिलुर रहमान साहब हैं जो लंबे समय से सभी इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कहता है कि अभी दुर्गा पूजा सम्पन्न हुआ है, आज उनका विसर्जन है और इस इलाके से हम लोग जब मुस्लिम बहुल इलाके से इनका विसर्जन यात्रा निकलता है तो हम लोग साझा संस्कृति जो हमारी है, हिंदू मुस्लिम एकता जो है, हमारा भाईचारा है, वो हमारा सद्भाव बरकरार रहे इसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं और समाज में हम लोग एकजुटता दिखाने का काम करते हैं। जब उनका त्यौहार होता है तो हम लोग एक सुर में खड़े होकर कांधे से कांधा मिलाकर इनके पर्व को भी हम लोग सहयोग करते हैं। आज उसी में समय विसर्जन के समय हम लोग यहाँ मौजूद हैं। विभिन्न तंजीम इदारे के लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं एकरा मस्जिद के पास, ताकि जो हमारा हिंदू भाइयों का जो दुर्गा पूजा का जो विसर्जन यात्रा निकल रहा है माँ दुर्गा का, उस को यात्रा में हम लोग आपसी सहयोग कर सकें, आपसी भाईचारा हमारा स्थापित हो सके है कि हाथों में गीता सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ा है जो आपस का वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजेगा भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी रहेगा पहले हिंदुस्तान रखेंगे। बिल्कुल, काबा और काशी भी रहेगा लेकिन पहले हिंदुस्तान रहेगा। वैसे लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं? ऐसे असामाजिक लोगों को समाज भी बहिष्कार करे, प्रशासन के तरफ से भी उसके ऊपर में FIR दर्ज हो, जबकि प्रशासन को सारा चीज मालूम है कि कौन है जो रांची के वातावरण को खराब करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोगों पर निगाह रखना चाहिए, उस पर केस होना चाहिए, उसको जेल होना चाहिए। और समाज के लोग भी बहुत ऐसे लोग है जो समाज को फूल के तरह बना करके सजा करके रखना चाहते हैं। ऐसे लोग के मौजूदगी से ही हमारा रांची में अमन चैन सकून सौहार्द भाईचारगी बना हुआ है। बातें एक गुलदस्ता के मानिंद है कि सारे धर्म के लोग इसमें इस्तकबाल करते हैं, एक दूसरे का पर्व में बढ़ चढ़ कर करके हिस्सा लेते हैं। यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा रांची शहर। सरवर, क्या तैयारी है लोगों स्वागत के लिए? देखिए, यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जो है स्वागत के लिए उनका खड़े हैं और आने वाले दिनों में भी हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। मिल करके एक दूसरे का पर्व त्यौहार जो है हम लोग मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। अपने सहयोगी विकी के साथ नौशाद, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।